कराते हैं। नजीबाबाद नगर के मोहल्ला पठानपुरा से बसपा प्रत्याशी महबूब कसार के चुनाव कार्यालय का जिला अध्यक्ष ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद महबूब कसार ने कार्यालय उद्घाटन समारोह में आए पार्टी के नेता और जिला अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बसपा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बसपा प्रत्याशी महबूब कसार ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीं बसपा नेताओं ने नजीबाबाद की जनता से महबूब कसार को जिताने का आह्वान किया है। आज नजीबाबाद में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहोगे? सब कुछ मेरे सीनियरों ने कह दिया, लेकिन इतना है मैं कहूँगा कि मुझे अगर जनता ने मौका दिया तो मैं जनता को कुछ करके दिखाऊंगा और जनता का कभी भी दिल नहीं दुखाने का, 24 घंटे जनता की सेवा में तैयार रहूंगा। पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, क्या इस बार पार्टी की तरफ से कुछ? ये पार्टी तो दबे कुछ लोग का ही मनोबल बढ़ाती है और ये पार्टी है ही दबे कुछ लोग की और मिशन वाली पार्टी है। एक BSP है जो जिसमें सारा जनाधार गरीब लोगों का है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी पार्टी पे और अपने पदाधिकारियों पे। हम अपने पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करेंगे और जनता ने अगर मौका दिया तो मैं बहुत बढ़िया होकर काम करूंगा और बहुत लोगों के मन को जीतूंगा मैं। आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज पार्टी का उद्घाटन तो विधिवत रूप से किया गया है, लेकिन इससे पहले ही जिस दिन से नामजदगी हुई है, नामांकन किया गया था, उसी दिन से जो है ना पार्टी कार्यालय मंगलू शाह में चल रहा था। वहीं से जो है ना पार्टी गतिविधियां और नीति तैयार की गई, जो है ना चार प्रचार किया जा रहा था। आज तो विधिवत रूप से किया गया, लेकिन इससे पहले जो है मंगलू शाह में चल रहा था। नजीबाबाद की जनता के लिए क्या संदेश? नजीबाबाद की जनता संदेश देना चाहते हैं कि अब तक जो चेयरमैनी की है वो बहुत भारी भरकम लोगों ने जो की है, और इस बार भाजपा ने एक सीधे सच्चे आदमी को टिकट देकर ये संदेश देने का क्या काम किया कि बाबा साहब ने जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के तहत ये गरीब दबे कुचले लोग भी नगर पालिका परिषद में बैठ कर चेयरमैन बन सकते हैं, ये संदेश देने का काम किया है। बहुत मैं DP सिंह रवि हूँ, जिला प्रभारी हूँ बसपा का, और आज हमारे महबूब भाई कसार जो पठानपुर में इनका उद्घाटन हुआ है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसमें हम सब पदाधिकारी जो जिले और मंडल लोग से आए थे उन्होंने उद्घाटन किया है। इससे पहले हमारे खुर्शीद भाई ने बताया है कि इससे पहले हमारा पहले ही कार्यालय खुला हुआ था, वहाँ से जो भी गतिविधियाँ हैं वो सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन लोगों की डिमांड थी, लोगों की मांग थी कि पठानपुर में भी एक कार्यालय खोला जाए, तो इन्होंने चेयरमैन साहब ने हमारे महबूब साहब ने ये आज पठानपुर में एक नए कार्यालय का उद्घाटन कराया है। उसके लिए हमारे पदाधिकारी इनके साथ रहे, जनता इनके साथ रही, और बसपा का एक नियम है, ये वास्तव में दबी कुचले लोगों की मदद करती है, पिछड़ों की मदद करती है, आज भी ये मदद की कगार पर है। और पार्टी में जो हमारे महबूब भाई हैं, आज इन्हें बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, हम चाहेंगे, हम जनता से अपील करेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक मतों से जिताकर वो इस नजीबाबाद की नगर पालिका में इन्हें ये दिखा दें, ये कसार साहब हमारे, कि हाँ चेयरमैन पद पर बैठने के बाद काम कैसे किया जाता है। यही चाह रहे हैं आने वाली 4 तारीख में हमारे महबूब अहमद कसार चेयरमैन जी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। जनता से अपील है कि बहुत अच्छे वोट देवें और बहुत अच्छे वोट से जिताएं और पार्टी का नाम हो। पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? पार्टी कार्यकर्ता से ये कहना चाह रहे हैं कि हाथी पर मोहर लगावें और हमारे महबूब भाई को चेयरमैन बनावें, बहन जी का हाथ मजबूत करें। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बहन जी जो है खुलकर सामने नहीं आ रही, क्या वजह है? बहन जी को एक काम है कि बहुत काम है, अभी सभी लोग कर रहे हैं, हम भी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। नजीबाबाद में पहले सपा और बसपा का दबदबा रहता था, क्या वजह रही कि जो बसपा कमजोर हो गई है? बसपा कमजोर नहीं हुई, 49% पे हारने वाला कमजोर नहीं होता, मगर वो कमजोर कहलाता है। 51% वाला हीरो होता है, 51% वाला जीतता है तो हीरो होता है, मगर 49% जो वोट मिलते हैं
वो जीरो नहीं होता, मगर कहलाता जीरो है। अब विधायक में एक आदमी जीत गया 5 वोट से, वो हीरो बन गया, और 5 वोट से हारने वाला जीरो बन गया।